इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे मेथी का, साबुत धनिए का, हरी मिर्चों का पेस्ट है, गरम मसाला पाउडर है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, दही है, साबुत लाल मिर्चें हैं। यहाँ पे हमने राइस जो है भिगो के रखे हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास है प्याज जो कि बॉईल हो रही है पेस्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे झींगे हैं, झींगों को धोने का प्रोसेस आपको धो के बताऊँ तो हमने थोड़ा सा नमक डाला, डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इस तरह आपने इसको मिलाना है और 4-5 मिनट छोड़ दें। ये हमने इसको धोया, अच्छे से मलेंगे इसको, फिर साफ पानी से धो लेंगे। ये हमने वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। प्याज भी यहाँ पे हमारी बॉयल हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, देखें अलग अलग हो गई है। तो अभी इस स्टेज पर हम चूल्हा बंद करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं ऑयल। प्राउन्स को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि स्मेल निकल जाए। तो सबसे पहले डालेंगे मेथी दाना, थोड़ा सा ये फ्राई होगा, इसकी खुशबू आएगी। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट और मिर्चें डाल के सारी चीज़ें डाल के फिर प्रोसेस शुरू करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा कड़कड़ाएगा, इसकी खुशबू आएगी, तो फिर इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी थोड़ा फ्राई किया, अब इसमें डाल देंगे झींगे। और इसमें डाल दिया हरी मिर्चों का पेस्ट, साबुत लाल मिर्चें और अच्छे से इसको करना है फ्राई 1 से 1.5 मिनट। फ्राई करने के बाद डालेंगे इसके अंदर मसाले, गरम मसाला पाउडर, नमक, ज़ीरा, दही। मसाला थोड़ा रखना है, प्याज का जो पेस्ट हमने बना लिया है, अब ये प्याज का पेस्ट जाएगा इसके अंदर। अब आपने इसको इतना पकाना है कि मसाला अलग हो जाए और तेल अलग हो जाए। यहाँ पे हमारे पास चावल हैं तकरीबन 1/2 किलो, तो अब शामिल करेंगे पानी। थोड़ा सा बॉयल आने दें, ये लेंगे, ये छन गया है और पानी में बॉयल भी आना शुरू हो गया है। और इसमें डाल देंगे अब चावल, पकने लगे पानी, आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होने लगे तो फिर आपने इसको दम पे छोड़ना है। इसको छोड़ देना है दम के ऊपर और चूल्हे को कर दें कम पे। हमारा झींगा पुलाव तैयार हो गया, हमने डिश आउट कर दिया है।